नाउ ये जो लेयर्स हैं ये कैसे बन रही हैं, या इन लेयर्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या कुछ करना पड़ता है। सो आते हैं और जानते हैं कि ये जो हमारे पास गूगल नेट मॉडिफिकेशन है ये क्या। सो गूगल नेट मॉडिफिकेशन एक्चुअली वो पार्ट है जहाँ पे हम अपनी लेयर्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। हम लेयर्स को मॉडिफाई कहाँ पे कर रहे हैं, हम अपनी हर कलेक्शन को यहाँ पे स्केजुलर दे रहे हैं ऑप्टिमम। हम एक्चुअली हर लेयर को मॉडिफिकेशन वाली साइट पे लेके जा रहे हैं। इट मींस कि हमें इमेज तो ये मिली है, हमें इमेज ये मिली है, हम इस इमेज को अब ठीक करने वाले हैं। सो इमेज को ठीक करने के लिए हमें डिफरेंट एंगल्स तक जाना पड़ता है। पहले ये इमेज है, नाउ दिस इज़ आवर इमेज। इसके अंदर एक दो तीन चीज़ें हैं जो हमें प्रॉपर पता है, लेकिन ये तीन चीज़ें आई कैसे हैं, हमें ये देखना है कि पहले तीन चीज़ें बनी कैसे हैं, तीन चीज़ों को निकाला कैसे गया। इट मींस कि हमने इमेज कोई इनपुट दी थी, गूगल नेट के पास गई, उसने उसको कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स के अंदर डिवाइड किया, उसने हर लेयर के ऊपर मैक्स पुलिंग अप्लाई की, और करते कराते हमें दो लेयर्स मिली एंड पे। इन दोनों लेयर्स में हमें इन्फॉर्मेशन मिली, देन उसको रीशेप किया तो हमें ये पता लगा कि हाँ इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है। अब ये इन्फॉर्मेशन रीशेप कैसे हुई, टेंसर वैल्यू इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ। सो हमारे पास जब भी एक इमेज किया, हमने पहले उसको एक पिक्सल में कन्वर्ट किया। सो आवर फाइनल लेयर प्रिडिक्ट बोथ क्लासेस प्रोबेबिलिटी एंड बाउंड्री बॉक्सेस कोऑर्डिनेट्स। तो पहले जब हमारे पास इमेज गई तो हमने एक ग्रिड सेल बनाया अपना, कहीं पे भी रेंडमली जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है, तो कैमरे के सामने जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है दैट इज़ अ डॉग, तो हमने रेंडमली उसमें ग्रिड सेल बना दिया। अब ग्रिड सेल कंप्लीट आगे इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा इस तरह करके। अब जैसे अगर एड ग्रिड सेल की बात की जाए तो अगर बज़ाहिरन देखा जाए तो ब्लैक कलर, ब्राउन एंड डार्क समथिंग, डार्क ग्रे। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आगे फॉरवर्ड होगी दैट इज़ द कलर। अब जो हमने बाउंड्री बॉक्सेस बनाए हैं इनकी हाइट और वर्थ वो दोनों मैटर करेगी। पहले हाइट देखी जाएगी इसकी हाइट कितनी है, फिर देखी जाएगी वर्थ कितनी है। जब दोनों चीज़ें हम मैच कर लेंगे तो हम आगे वैल्यू को सेंड अप करेंगे कि अब आगे लेयर के पास वैल्यू गई है क्या, कि हाँ मेरे पास अब एक और, मैंने अपनी बाउंड्री बॉक्स को चेंज किया, ग्रिड सेल मेरा वही है अभी, लेकिन हाँ मैंने बाउंड्री बॉक्सेस चेंज कर दिए और मैंने दो बाउंड्री बॉक्सेस डिज़ाइन किए विद द सेम इंटरप्रिटेशन। अब मुझे बाउंड्री बॉक्सेस मिल तो गए हर ग्रिड सेल का, ये इसी ग्रिड सेल के ऊपर जो बाउंड्री बॉक्सेस मेरे बन रहे थे वो मैंने निकाल लिए। पहला बाउंड्री बॉक्स बन रहा था कि ये वाला ऑब्जेक्ट है कोई, दूसरा बाउंड्री बॉक्स बन रहा था कि खाली ये वाला ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स कि आई हैव टू बाउंड्री बॉक्सेस ऑन 7x7 ग्रिड। अब मुझे दो बॉक्सेस मिले 5x5 ग्रिड के, लेकिन टोटल ग्रिड साइज क्या है 7x7। अब मेरे लिए एक पहला फैक्टर आ गया कि मुझे ये बाउंड्री बॉक्स क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इट मीन्स कि मेरा एल्गोरिदम अब एक्सिस पे आ चुका है, उसने पहला ग्रिड डिज़ाइन कर लिया है, अब एक्सिस पे सारी बात हो रही है और रेंडमली ग्रिड डिज़ाइन किया गया। इट मीन्स कि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इसमें है भी, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं भी होगी तो भी चलेगा। इट मीन्स कि हम अपने ग्रिड को डिज़ाइन करने के करीब आ चुके हैं। अब मेरे पास जो लाइब्रेरी आएगी यहाँ पे, जो पहली कॉन्वोल्यूशनल लेयर को डिज़ाइन करेगी, तो उसको मैं कहता हूँ कि वो टॉर्च है। उसने पहली लेयर डिज़ाइन की और साथ ही जब दूसरी लेयर को इन्फॉर्मेशन दी तो मेरे पास डेटा लोडर ने वो सारा डेटा लोड किया जो यहाँ से इधर ट्रैवल किया था, या जो पहली लेयर से दूसरी लेयर में ट्रैवल किया हुआ था, या जो पहली लेयर से आखिरी लेयर तक जो ट्रैवल किया हुआ था, वो सारा डेटा मेरे पास अब लोड होगा। डेटा के लोड होने के साथ साथ मेरा जो डेटा सेट है वो भी अपने आप को लोड करवाएगा इन लेयर्स में साथ साथ। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द कोड हम इसको मैच करके देखेंगे क्या ये मैच हो रहे हैं
जो हमने अपने ग्रिड सेल से डिटेक्ट किया था। इट मींस कि डेटा सेट, डेटा लोडर एंड सबसेट, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर YOLO, क्योंकि YOLO इनके बगैर प्रॉपरली काम नहीं करेगा। अब आगे आते हैं और देखते हैं कि ये जो डेटा है इसने अपने आप को ब्रीड कैसे किया। सो फाइनली हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिले इस छोटे से ग्रिड के ऊपर। पहला कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बाउंड्री बॉक्स इनसाइड सेल 0 and 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्रिड साइल साइज, सेम ऐसे वाई का हुआ। इट मींस कि ये तो साइज हमें 1/1 का मिल रहा, ये तो चलो हमारा काम एक कर रहा है, लेकिन इसमें कोई इन्फॉर्मेशन है। फिर W साइड पे सेम बॉक्स मिला H से भी। अब C साइड पे हमें कोई बॉक्स नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई डिटेक्ट हो रहा है, इट मींस कि समथिंग इज इन द बॉक्स C, दैट इज़ अ कलर। अब जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि कलर यहाँ पे ब्लैक आ रहा है एंड ब्राउन आ रहा है और थोड़ा सा ग्रेइश आ रहा है, इट मींस कि आवर फाइनल लेयर प्रेडिक्ट्स बोथ क्लासेस, जो हमने पहले कहा था, हमारी जो फाइनल लेयर होगी वो हमारी दोनों क्लासेस प्रेडिक्ट करेगी कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। लेकिन पहली बात यह है कि वो इन्फॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है, हाउ वी गोना एक्सट्रैक्ट दैट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड है। अब जैसे हमने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए थे, तो इट मींस कि वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन व्हाट वी एक्चुअली नीड। हमें वो इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए इस ग्रिड के अंदर से, इट मींस कि वी नीड समथिंग जो ग्रिड से ऑफ साइड हो। तो ग्रिड के ऑफ साइड पे क्या आएगा? जैसे लॉस। अब यहाँ पे लॉस क्या हो रहा है, यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही है? यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लॉस हो रही है कि डॉग अगर यहाँ पे है तो इस पूरे ग्रिड में ये जो खाली जगह, दैट इज़ एन इन्फॉर्मेशन लॉस। क्योंकि एक्सपोज अगर डॉग के कलर और ये वाला कलर दोनों सेम होता तो ये वाला कलर भी इन्फॉर्मेशन लॉस में ही आ जाना था। इसी वजह से हमें लॉस फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा पहले। अब लॉस फंक्शन एक्चुअली है क्या? लॉस फंक्शन करता क्या है? इट वेट्स लोकलाइजेशन एरर इक्वली विद क्लासिफिकेशन एरर। ये लोकलाइजेशन एरर देखेगा और क्लासिफिकेशन एरर देखेगा कैसे? अगर हम इसकी बात करें, इसमें लोकलाइजेशन क्या हुई? इसमें लोकलाइजेशन ये है कि ये बर्ड, हम सपोज करते हैं ईगल है, लेकिन कई लोग इसको देख के कहते हैं, वो कहते हैं ये कौवा है। फिर कई लोग इसको देखते हैं वो कहते हैं कुछ है, कई लोग इसको देखते हैं वो कहते हैं कुछ है। इट मींस कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन दो बॉक्सेस के अंदर अंदर रहते हुए चाहिए, और यहाँ तक जब भी इन्फॉर्मेशन जाए वो परफेक्टली करेक्ट हो। इट मींस कि इन्फॉर्मेशन हमें जो भी मिलेगी एक्स एक्सिस पे, हम उसको वाई एक्सिस के साथ ऐड कर देंगे। इट मींस कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, वो सेम इन्फॉर्मेशन या तो हमें वाई एक्सिस पे मिलेगी, या हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की इन्फॉर्मेशन को आपस में मिक्सअप करके ये देखेंगे कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई क्या, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली क्या। अब वो इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, यहाँ से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन आगे पास की। कोडिंग की टर्मिनोलॉजी में हम उसको टॉर्च विजन कहते हैं कि हम कोई चीज़ देख लें, हमने वो इन्फॉर्मेशन फिर आगे पास कर दी है। जब हमने वो इन्फॉर्मेशन आगे पास की है, इट मींस कि हमने इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक तो वो बाउंड्री बॉक्स दे दिया, और साथ ही साथ हमने एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है बाउंड्री बॉक्स का वो भी साथ दे दिया। कॉन्फिडेंस एक्चुअली है क्या? कॉन्फिडेंस इज़ अ वे वेर यू कैन इंट्रैक्ट एंड गेस द बाउंड्री बॉक्सेस ऑफ और विद इन द पिक्चर सिस्टम। इट मीन्स कि हमें अब दोनों चीज़ें ऐड कर दी। जब दोनों चीज़ें ऐड की ना, तो हम फैक्टर ये आएगा, सपोज करते हैं कि अब हमारे पास पिक्सल्स बहुत ज़्यादा आ गए,
हमें फिर उसका स्केयर लेना है, स्केयर लेके हमें ये पता करना है कि उसमें एरर कितना है। हम जिस स्टेज पे पहुँचे हैं, क्या यहाँ पे ये एररलेस स्टेज आई है कि यहाँ पे कोई ना कोई एरर था जो हम डिटेक्ट नहीं कर सके। इट मींस कि कोई ना कोई एरर यहाँ पे अवेलेबल था जो हम डिटेक्ट नहीं कर सके, और वो टॉर्च विजन को वहाँ पे भेजना पड़ रहा है टू चेक दैट स्पेसिफिक एरर। तो ये एल्गोरिदम जाके एरर को ना सिर्फ चेक करेगा बल्कि फाइंड आउट करेगा ये एरर जनरेट क्यों हुआ था। जब ये पता लगे कि एरर जनरेट क्यों हुआ था, तो हम इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो एरर जनरेट हुआ था उसका और जहाँ तक हमने पहुँचना है उन दोनों में डिफरेंस क्या रह गया। अगर डिफरेंस बहुत माइनर सा है तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस बहुत बड़ा है तो ये चीज़ इग्नोरेबल नहीं है। तो फिर हम उसका एरर फाइंड आउट करेंगे, एरर लेने के बाद हम एरर की करेक्शन भी साथ साथ ही देंगे कि अगर ये एरर आता है तो एक्चुअली ये एरर था क्या, एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, क्यों होनी चाहिए थी, ताकि हम अपने जो वेट हैं उनको एडजस्ट कर सकें। अगर आपने स्टार्टिंग में अपने वेट 5 रखा था लेकिन इस एरर करेक्शन की वजह से आपको पता लगा आपने तो गलत वेट रखा है, आपको तो 0.5 रखना था, तो आप अपने वेट को यहाँ से एक्यूरेटली मेजर भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने सम ऑफ स्केयर एरर निकाल दिया, जिसको हम मीन स्केयर एरर भी कहते हैं, इट मींस कि आपने अपने एल्गोरिदम को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लिया है कि आपके पास जो डेटा आया था उसमें कुछ ऐसा डेटा भी था जो आपको रिमूव करना पड़ा। मींस कि अगर इस पिक्चर को देखें तो इसमें बहुत सा ऐसा डेटा होगा जो हमें रिमूव भी करना पड़ेगा। लाइक, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें रिमूव करनी पड़ती है। लाइक, अगर मैं उस इमेज को निकाल के देखूँ जो भी इमेज देख रहे थे, ये वाली, तो इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो हमें शायद रिक्वायर्ड ही ना हो। जैसे ये पीछे ये वाली बिल्डिंग, अब हमें ये वाली बिल्डिंग का प्रॉपर तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, मे बी कोई बहुत मशहूर बिल्डिंग हो, मे बी MIT की कोई यूनिवर्सिटी, MIT का कोई कैंपस हो, या मे बी इट कुड बी एनीथिंग। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अभी हमारे लिए यूज़लेस है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। इट मीन्स कि हमें एरर ये बता देगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें इम्पॉर्टेंट है और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ताकि हम अपने वेट्स को चेंज कर सकें या अपडेट कर सकें। तो लॉस फंक्शन से जब हम अपने वेट्स को अपडेट करवा लेंगे, तो हम ईच एंड एवरी पार्शियल एड्रेस के ऊपर जाके अपनी वैल्यूज़ की बाउंड्रीज़ को रीडिज़ाइन करके हम ये पता लगाएंगे कि जो बाउंड्री हमने रीडिज़ाइन की है, क्या उन सब की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है या डिफरेंस आ रही है। क्योंकि अगर तो लॉस फंक्शन सबका सेम है, इन सब फंक्शन का लॉस फंक्शन अगर तो सेम है, तो हमें मीन स्केयर एरर की ज़रूरत ही नहीं है और बहुत इजीली अपनी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट कर सकते हैं एल्गोरिदम्स की। जब हम अपनी एल्गोरिदम्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, इट मींस कि वी आर एबल टू डिज़ाइन समथिंग मच स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें जो भी अब डेटा मिलने जाने लगा है वो किसी ना किसी वे में मैनिपुलेटेड है। अगर मैनिपुलेटेड है, इट मींस कि उसमें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू है जो एक्चुअल वैल्यू के करीब भी नहीं है। जब एक्चुअल वैल्यू के कोई वैल्यू करीब नहीं होती, तो हमें फिर एक बात खटकती है कि क्यों, फिर हम कौन सा ऐसा इन्फ्रेंस यूज़ करें कि हम एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंच जाएं। तो हम इन्फ्रेंस की जगह मॉडल को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल्स भी हैं, हम अपने मॉडल्स भी क्रिएट करते हैं। सो हम मॉडल्स को बीच में ले आते हैं ताकि हम इन्फ्रेंस से ये पता लगा सकें कि हमें ट्रेनिंग के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और जो हमने ग्रिड डिज़ाइन करना है वो कैसे करना है। क्या वो हमने पार्शली डिज़ाइन करना है या हमने योलो के साथ खुद मिल के उस ग्रिड को तैयार करना है। सो हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे। ऑप्शन के अवेलेबल होने के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इन्फ्रेंस अगर क्रिएट हुआ है इस इमेज का, तो ये कैसे हुआ,
यहाँ तक अगर हम पहुँचे हैं तो इसका इन्फ्रेंस कैसे क्रिएट किया गया है, इस इन्फ्रेंस का पार्ट क्या था, इस इन्फ्रेंस को यूटिलाइज़ कैसे किया गया। क्योंकि जब हम इन्फ्रेंस का पार्ट पता लगा लेंगे ना कि हमारे पास जो एडिशनल लेयर्स थी वो क्यों कब कैसे ऐड की गई थी, जिसकी बिना पे हम अपना कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को ये पता लगा रहे थे कि इसमें से कौन सी बेस्ट परफॉर्म करेगी, तो हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेट कर रहे थे। अब इंटरप्रिटेशन से हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिली है, पहले हमने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स को हमने शेप दी लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसके बाद उसमें से इन्फॉर्मेशन गेट करना स्टार्ट की। जब इन्फॉर्मेशन मिली तो हमें पता लगा कि इसके अंदर और भी लेयर्स अवेलेबल हैं, खाली एक लेयर नहीं है, तो हमने डिफरेंट लेयर्स को उसमें डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। और जब हमें यह पता लगा कि अच्छा एक ऑब्जेक्ट जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसमें दो दो लेयर्स निकल रही हैं, तो हमारा नेटवर्क ट्रेन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो बाउंड्री बॉक्सेस हैं वो भी ट्रेन होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि उनको आइडिया होना शुरू हो गया था कि कौन सा बाउंड्री कहाँ पे जाके एंड होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। इट मीन्स कि जब हम अपनी कैलकुलेशन के ऑलमोस्ट सेंटर में पहुँचे तो हमें पता लग गया कि हमारे पास दो ऐसे बाउंड्री बॉक्सेस हैं जो सेम ऑब्जेक्ट की ग्रिड के ऊपर आ रहे हैं, लाइक जैसे यहाँ पे डॉग पे आ रहे हैं। इट मीन्स कि हमें इनमें से या तो एक बाउंड्री बॉक्स रिमूव करना या हमें एक बाउंड्री बॉक्स ऐड अप करना, तो हम कूडा के पास जाते हैं। बिफोर एडिंग टू कूडा हम इमेज ग्रिड को ये बताते हैं कि जो आपने बाउंड्री बॉक्सेस डिज़ाइन किए हैं इसकी कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है, हाँ एक मैक्स पुल हुआ एक लेयर के लिए, दो हुआ सेम लेयर के लिए, तीसरा हुआ सेम लेयर के लिए। अब हमारे पास पिक्सल बाय पिक्सल अब इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे कि अब हमारे पास जो ग्रिड सेल है वो नया डिज़ाइन होगा। अब जब ग्रिड सेल जाके नया डिज़ाइन होने लगा, इट मीन्स कि हमारे जो बाउंड्री बॉक्सेस हैं वो भी नए मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और एक ग्रिड सेल को दो बाउंड्री बॉक्सेस मिलेंगे, या आप इसको ऐसे कह लें कि एक बाउंड्री बॉक्स को दो लेयर्स पे काम करने का मौका मिलेगा या दो लेयर्स उसको मिलेंगी। तो जैसे जैसे बाउंड्री बॉक्स आगे जाएंगे लेयर्स इंक्रीज होती जाएंगी, और जब हम एट द एंड ऑफ द बॉक्स पहुंचेंगे तो हमारे पास 7x7 का ग्रिड सेल होगा और हमारे पास जो लेयर्स हैं वो ऑलमोस्ट 14 के करीब करीब होंगी, क्योंकि हम इन्फ्रेंस पे काम कर रहे हैं। अब ये बाउंड्री बॉक्सेस डिज़ाइन कैसे हुए हैं, इट मीन्स कि अभी हमारे पास जो टोटल बाउंड्री बॉक्सेस आए हैं दैट इज 98 बाउंड्री बॉक्सेस इन दिस स्पेसिफिक इमेज। अब पहला फैक्टर क्या है, ये बाउंड्री बॉक्सेस डिज़ाइन कैसे हुए, ये डिटेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कैसे हुआ, इसको हमने डिटेक्ट कैसे किया और इसको डिटेक्ट ऐसे करने की क्या वजह है।